नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सारण जिले के मकेर में जहरीली शराब पीने से लगभग एक दर्जनों की मौत मामले में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव उनके परिजनों से मिलने भोथा नोनिया पट्टी पहुँचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मिले, संतावना दिया, ढांढस बढ़ाया और अपने निजी मद से 10,000 रुपये भी प्रदान किए। उन्होंने इस दौरान बिहार सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जमकर क्लास लगाई। आइए देखते हैं मृत्युंजय तिवारी की रिपोर्ट। सब हंस रहा है, मजे ले रहा है, मैं ये देखते देखते थक गया। संवेदनहीन नेता है, पार्टी है, समाज, इतना हरामी साला कंट्री मैंने लाइफ में नहीं देखा। इतना धूर्त और दुष्ट और दोगला नेता दुनिया में नहीं होगा जितना साला भी इस कंट्री में। इसके पहले भी यहां पर मौत हुई है, इसके पहले भी हम आए थे जब शराब हुआ था, तब भी यहां के एमएलए एमपी का पता नहीं था और कहता था शराब नहीं बिकी है। जिस थाना में पिया उसका सस्पेंशन हो गया, जो थाना में बनता है उसका सस्पेंशन हुआ ही नहीं। जहां बनेगा वहां के थाना प्रभारी सुरक्षित हो जाएंगे। अब सरकार कहती है कि हमने यह साल 15 करोड़ रुपया लगभग हमने दारू पीने वाले से वसूली कर लिया। इसका मतलब है कि शराब को आप एस्टेब्लिश कर दिए ना, आप ये मान गए ना कि शराब 6-7 सालों से जब से बंदी है दुनिया में, दिल्ली महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में बनता और शराब से ज्यादा जहरीली शराब बनता, और जहरीली शराब बनाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? जो लोग इन्वॉल्व है वो किसी पार्टी और किसी नेता के साथ चलते हैं। नाम बोलूं क्या? किसके गाड़ी पर चलते हैं हमको नहीं पता है। सब चोर इसी, हमको तो आश्चर्य है, नटवर लाल का भी ठीक था बेचारा, यहां उसका बाप है यहां का सब नेता। यहां का एमएलए बीजेपी, यहां का एमपी बीजेपी और ये वोटर बीजेपी, ये जितने वोटर है सब नीतीश कुमार एंड बीजेपी है, मरने वाले बीजेपी, मारने वाला बीजेपी, इसके पहले भी मरने वाला बीजेपी, मारने वाला बीजेपी और बेचने वाला बीजेपी। कल जब हम वहां गए, हमारे हमने अपने स्वास्थ्य प्रभारी को भेजा, जब हमको प्रेम में पिया उसका सस्पेंशन हो गया, जो थाना में बनता है उसका सस्पेंशन हुआ ही नहीं, जहां बनेगा वहां के थाना प्रभारी सुरक्षित हो जाएंगे। अब सरकार कहती है कि हमने यह साल 15 करोड़ रुपया लगभग हमने दारू पीने वाले से वसूली कर लिया। इसका मतलब है कि शराब को आप एस्टेब्लिश कर दिए ना, आप ये मान गए ना कि शराब 6-7 सालों से जब से बंदी है दुनिया में, दिल्ली महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में बनता और शराब से ज्यादा जहरीली शराब बनता, और जहरीली शराब बनाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? जो लोग इन्वॉल्व है वो किसी पार्टी और किसी नेता के साथ चलते हैं। नाम बोलूं क्या? किसके गाड़ी पर चलते हैं हमको नहीं पता है। सब चोर इसी, हमको तो आश्चर्य है, नटवर लाल का भी ठीक था बेचारा, यहां उसका बाप है यहां का सब नेता। यहाँ का एमएलए बीजेपी, यहाँ का एमपी बीजेपी और ये वोटर बीजेपी, ये जितने वोटर है सब नीतीश कुमार एंड बीजेपी है।
मरने वाले बीजेपी, मारने वाला बीजेपी, इसके पहले भी मरने वाला बीजेपी, मारने वाला बीजेपी और बेचने वाला बीजेपी। कल जब हम वहां गए, हमारे हमने अपने स्वास्थ्य प्रभारी को भेजा, जब हमको प्रेमचंद जी ने खबर दिया रात में, तो रात से ही हम लग गए। कहां गए सुनील जी? अब वहां खाने तक के लिए पैसा नहीं था। बाद में इन्होंने हमको खबर किया कि कफन और कपड़े का पैसा नहीं है, तो हम बाहर से भेजे। धूप में या बेचारे ई और मुन्ना लगा रहा। स्थिति कितनी बदतर है, दवाई तक के लिए किसी को नहीं था, तो किसी को 5,000, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हमने देख, हम तब देखे गए। और मुन्ना का हमने कहा कि सबकी दवाई फ्री करो। लास्ट में कफन और पन्नी का पैसा दे दिए ला के। कल जब हम वहां गए, हमारे हमने अपने स्वास्थ्य प्रभारी को भेजा, जब हमको प्रेमचंद जी ने खबर दिया रात में, तो रात से ही हम लग गए। कहां गए सुनील जी? अब वहां खाने तक के लिए पैसा नहीं था। बाद में इन्होंने हमको खबर किया कि कफन और कपड़े का पैसा नहीं है, तो हम बाहर से भेजे। धूप में या बेचारे ई और मुन्ना लगा रहा। स्थिति कितनी बदतर है, दवाई तक के लिए किसी को नहीं था, तो किसी को 5,000, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हमने देख, हम तब देखे गए। और मुन्ना का हमने कहा कि सबकी दवाई फ्री करो। लास्ट में कफन और पन्नी का पैसा दे दिए ला के, तो ठेला से मां ठेल करके ले जा रही है, गाड़ी नहीं मिला, फिर उसके लिए भी लड़ना पड़ा। अपने से लड़ लाते हैं भैया, काफी दिन था वहां से। वहां आप कभी सोचे हैं? अब आप ठेला वाला पैसा के लिए तबाह कर दिया। ये हम लोग का समाज नहीं है क्या? हम लोगों के लोग नहीं है ये? खून नहीं है? आज इस पर, कल आप पर, परसों उस पे, कल आपका मर्डर, कभी उसका मर्डर, कोरोना में कोई मरा? आप कभी खोजिएगा आप अपने एमपी के बारे में मोबाइल पर, तो लिखिएगा रूढ़ी, तो लिखिएगा एम्बुलेंस चोर। बालू का धंधा वही करते हैं, शराब का धंधा वही करते हैं, एम्बुलेंस का धंधा वही करते हैं, सब कुकर्म वही करते हैं, और एमपी भी वही बनते हैं। कभी आप सुने यहाँ के एमपी एमएलए और छपड़ा किनका है? दोनों दल का है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कभी विपक्ष को सुने आप आते? 1 बजे आने वाले। कभी गोपालगंज सुने आते? कभी आप नाम लेते सुना? हाजीपुर में 103 मर्डर हुए हैं।